37 शॉप हमारा पूरा वागड़ समाज के लोगों ने, हमारा पूरा समाज के लोगों ने 37 शॉप खरीदा और 2006 में हम लोग ने 37 करोड़ रुपया दिया। 37 करोड़ देने के बाद सोसाइटी पोंडेकर ये लोग ने सबने हमारे पैसों से माड़ा में पैसा भरा और सब इन्वेस्टर को साइड में रख के सबसे पहले हम लोग ने जो पैसा दिया उसमें से सब टेनेंट लोग 480 को भाड़ा दिया, डिपॉजिट दिया, सब बिल्डिंग खाली करवाया। 2006 से हम लोग का पैसा इसमें लगा हुआ है। सोसाइटी ने वो टाइम पे हमारे को प्रॉमिस किया था, हमको लिख के दिया है, हमको ट्राई पार्टी MOU बना के दिया है कि आपका पैसा आएगा उसमें से हमारा सब 480 आदमी का बिल्डिंग है और घर बनेगा और आपको आपका दुकान मिलेगा। ये सब कुछ होने के बाद माड़ा के अंदर पैसा सबसे पहले जो भरा 9 करोड़, वो हमारे पैसे से भरा है। सोसाइटी के नाम से भले चेक दिया भरा उनके नाम से, लेकिन हमने जो बिल्डर को दिया अपना बुकिंग अमाउंट वो टाइम पे हमारे पैसे से ये पूरा डेवलप हुआ। और आज की तारीख में रुस्तम जी ने जो कुछ किया है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब इतना है, हम लोग ने ये प्रॉपर्टी के अंदर ये जगह के ऊपर पैसा लगाया, वो जगह हमको मिलना चाहिए। पोंडेकर साहब और रुस्तम जी करोड़ों कमाए या आप जो कमाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा दिया हुआ पैसे का माल हमको मिलना चाहिए। और ये माड़ा के अंदर जो टाइम पे हमने पैसा दिया, पैसा हमारे पैसे से भरा, बाद में IOD आया, CC आया, वो सब पोंडेकर के नाम से आया और बाद में ये कैसा क्या हुआ वो हमको मालूम नहीं है। मैं फडणवीस साहब से इतना नम्र विनंती करता हूँ कि सर मैं आपके पास स्पेशल मिलने को आया था, आपने हमको प्रॉमिस भी किया था कि खेतजी भाई आप टेंशन मत लो, इसका कोई ना कोई आपका रास्ता निकल जाएगा, आपको आपका माल मिल जाएगा। सर मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हमारा इतना विनंती सुनो। और ये हमारे दोस्त ने हमारे साथ इतना काम किया है, हम तो बोलते हैं ये आदमी का हम भगवान के बाद इनको भगवान मान के इनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।